तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अल्काइन्स। जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं वो टॉपिक है अल्काइन्स। तो अल्काइन्स में हम लोग सबसे पहला चर्चा करने चल रहे हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अल्काइन्स हम लोग बना कैसे सकते हैं, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे चर्चा करने चल रहे हैं। अल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला तरीका हम लोग यूज करते हैं वो होता है फ्रॉम जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड। जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा फ्रॉम जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड। याद होगा आप लोगों को जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड कहते किसको? तो अगर दो कार्बन हो और इन मॉलिक्यूल दो कार कम से कम दो कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो और ये डाइहैलाइड हो, दो हैलोजन हो, दोनों हैलोजन अगर सेम कार्बन पर हो तो इसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल में दो हैलोजन हो और कंसेक्यूटिव सेंटर पर हो तो इसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो यहां पर आप जेमिनल डाइहैलाइड यूज कीजिए या विसिनल डाइहैलाइड यूज कीजिए, दोनों मॉलिक्यूल चलेगा। तो हम आपके सामने जो रिएक्शन ले रहे हैं इस रिएक्शन में हम एक विसिनल डाइहैलाइड ले रहे हैं, ये विसिनल डाइहैलाइड। ध्यान देना बेटा, हम लोग करवाने क्या जा रहे हैं? आप लोगों को याद है किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दें, किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दें तो वहां पर डी हाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन शब्द को तोड़ कर थोड़ा सा सोचो ना, डी माने हट रहा है, हाइड्रो माने एक हाइड्रोजन और साथ में कौन, एक हैलोजन। तो अगर इस मॉलिक्यूल में दो स्टेप डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करवा लें, एक यहाँ का हाइड्रोजन और ये हैलोजन उसके बदले एक पाई बॉन्ड, और सेकेंड स्टेप में यहाँ का हाइड्रोजन और ये हैलोजन एक दूसरा पाई बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल कैचेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्काइन में। अब हम लोग इसको रिएक्शन करवाते चलते हैं। पहला स्टेप हम लोग करवाने जा रहे हैं, इसको हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं अल्कोहलिक KOH से। इसको हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं अल्कोहलिक KOH। एक्वस मीडियम में घुला हुआ KOH रिलेटिवली कमजोर बेस होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में घुला हुआ KOH मजबूत बेस होता है, और हमको इस रिएक्शन में कमजोर बेस से काम नहीं चलेगा, हमको मजबूत बेस चाहिए। दैट्स व्हाई हमने यहाँ अल्कोहलिक KOH यूज किया है। अरे बेटा, अल्कोहलिक KOH अगर यूज करेंगे तो यहाँ हो क्या जाएगा? यह के जो है एक हैलोजन और OH जो है एक हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, एक यहाँ का हाइड्रोजन एक यहाँ का हैलोजन अगर निकल जाए तो पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड, ये CH और यहाँ लगा हुआ एक हैलोजन। ध्यान देना, अगर हमको सेकेंड स्टेप डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाना है तो यहां पर इवन स्ट्रोंगर बेस रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड स्टेप एलिमिनेशन करवाना, अगर अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो हमको हीट भी करना पड़ेगा। अल्कोहलिक KOH नॉर्मल कंडीशन में यहां एलिमिनेशन नहीं करवा पाएगा। तो अगर हीट से बचना चाहते हैं तो हम लोग सेकेंड स्टेप में करते क्या है कि अल्कोहलिक KOH से भी एक मजबूत बेस हम लोग यूज कर लेते हैं, और यह बेस होता है सोडामाइड NaNH2-। एक बात सुनो, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि हाइड्रा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाता है। माने CH4 से कहीं ज्यादा एसिडिक है NH3, NH3 से कहीं ज्यादा एसिडिक है H2O, H2O से कहीं ज्यादा एसिडिक है HF। देखो ना, ये बेस सेंटर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन, यही है ना एलिमेंट, इस तरह से एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में बढ़ता हुआ। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। अरे बेटा, इन सभी का एनायन कंजुगेट बेस बनाओ, तो इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा F-, इसका कंजुगेट बेस OH-, इसका कंजुगेट बेस NH2-, इसका कंजुगेट बेस CH3-।
अगर ये सबसे कमजोर एसिड हुआ करता था, उसका कंजुगेट बेस सबसे मजबूत हुआ करेगा, तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाता है उसमें CH3- NH2- OH-, तो ध्यान दो ना, यहाँ पर ये OH- था और यहाँ का एनायन NH2- है, दोनों में ज्यादा मजबूत बेस, अगर इसको हम बोले तो क्यों मजबूत बेस बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर कमजोर एसिड का एनायन है, इसलिए वो मजबूत बेस है। खैर, तो वहां पर हमने एक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस ले लिया है, वो बेस फिर से एक स्टेप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएगा, एक स्टेप फिर से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाए, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट देखना, यहाँ का प्रोडक्ट हो जाएगा ये CH3, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो C CH, यही प्रोडक्ट हो जाएगा ना यहाँ का। यहाँ एक बहुत खास बात बताना है, बहुत स्पेशल चीज बताना है, सुनना हमको क्या कहना है यहाँ पर। जानते हो बेटा, अगर C ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम होता है, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है और उस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन थोड़े इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और उस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन से लगा हुआ अगर हाइड्रोजन हो, तो वो हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। याद रखना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन का pKa वैल्यू 25 के रेंज में हुआ करता है। ये वैल्यू याद रखना, ये काम आएगा आगे, कई जगह पर काम आएगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगे हाइड्रोजन का pKa रेंज जो होता है वो 25 के रेंज में होता है। तो देखो, हमको जो बात यहां पर आपके ध्यान में लाना है, वो क्या चीज लाना है वो सुनना। हमने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया हुआ है? एक बहुत मजबूत बेस ऐड किया हुआ है, हमने सॉल्यूशन में एक बहुत मजबूत बेस ऐड किया हुआ है, और हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ बना है, दैट प्रोडक्ट कंटेन्स सम एसिडिक हाइड्रोजन, वो प्रोडक्ट के पास कुछ एसिडिक हाइड्रोजन है। आपको एक बात शायद पता हो कि कोई भी सॉल्यूशन में अगर मल्टीपल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो, माने दो रिएजेंट मिलकर कई सारे प्रोडक्ट बनाने का चांस रखता हो, कई सारे प्रोडक्ट बनाने का पॉसिबिलिटी रखता हो, तो वहां पर सबसे फास्ट रिएक्शन हुआ करता है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होने वाले रिएक्शंस होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल बनेगा हैविंग सम एसिडिक हाइड्रोजन, अगर सॉल्यूशन में बेस के ट्रेसेस भी बचे हुए हों, थोड़े भी बेस बचे हुए हों, तो वो बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। माने ये आपको इस रूप में दिखेगा ही नहीं, ये बनते ही तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने एनायन में। क्यों? क्योंकि जो बेस होगा वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया करेगा। बात समझिएगा, ये अगर यहां से वो हाइड्रोजन निकल गया तो ये इस तरह का एनायन बनेगा। जब तक हमारा सॉल्यूशन बेसिक रहेगा, ये मॉलिक्यूल इसी एनायन के फॉर्म में रहेगा। हाँ, अगर हम लोग बाहर से एसिड ऐड करके, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दें, तो फिर ये एनायन जो है ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस तरह के चीज में बदल जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH में बदल जाएगा। यहाँ पर दो बात बताना बहुत जरूरी है इसी रिएक्शन के मुतल्लिक, मुतल्लिक माने उर्दू शब्द है मुतल्लिक, मुतल्लिक माने उसके रिगार्डिंग, उसके बारे में दो चीज बताना बहुत जरूरी है। क्या चीज? सुनो, अगर हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करवा रहे होते, कैसा मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करवा रहे होते, CH, ये CH, एक हैलोजन यहां, एक हैलोजन यहां, और ये CH3, ऐसा मॉलिक्यूल लिए हुए होते, और इसको हम लोग पहले अल्कोहलिक के OH से रिएक्शन करवा देते, और फिर बाद में जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को फिर हम लोग NaNH2 से रिएक्शन करवा देते, ठीक है? होगा क्या? डायरेक्ट अगर हम लोग प्रोडक्ट लिखें तो क्या होगा? एक बार यहाँ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एक बार यहाँ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो हमारा उधर का प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ये CH3, ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। अरे बेटा, एक बात ध्यान दे इसमें, क्या यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन मौजूद है क्या? तो जवाब है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है।
कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर हम लोगों को इस वाला स्टेप करने का जरूरत, यहां पर एसिड ऐड करके न्यूट्रलाइज करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिले वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एसिड ऐड करने का जरूरत हमको उन्हीं रिएक्शनों में पड़ेगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजिशन पर डेवलप होने वाला है। टर्मिनल पोजीशन पर कहने का मतलब टर्मिनल कार्बन के पास हाइड्रोजन हो जो एसिडिक हो, वो उसी में हम लोगों को ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कार्बन चेन के मिडिल में है या टर्मिनल पे नहीं है, नॉन टर्मिनल पोजीशन पर है, तो हमको बाद में सॉल्यूशन को एसिडिफाई करवाने का जरूरत नहीं पड़ा करेगा। एक दूसरा चीज कहना यह है, हमको थोड़ा सा मिटाते हैं, नीचे जगह कम पड़ रहा है तो ऊपर लिखने के लिए ऊपर का चीज को मिटाते हैं थोड़ा सा। दूसरा जो इस रिएक्शन के बारे में हमको खास बात कहना था वो क्या कहना था, सुनो, कोई अगर आप ही लोगों के बीच से कोई स्टूडेंट कहे कि सर मजबूत बेस ही ना आपको यूज करना है, आप शुरू में अल्कोहलिक KOH यूज किए, बाद में NaNH2 यूज किए हैं, शुरू से ही NaNH2 यूज कर लीजिए तो क्या दिक्कत है? अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम शुरू में अल्कोहलिक KOH सिर्फ ये चीज बताने के लिए यूज किए थे कि सेकेंड स्टेप रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के द्वारा नहीं हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट क्या करे कि ये यही मॉलिक्यूल लिया रहे, मान लो इस बार हम लोग कोई विसिनल नहीं जेमिनल डाइहैलाइड यूज कर लिए और डायरेक्ट यहां पर उसने दो मॉलिक्यूल NaNH2 यूज कर लिया है, अरे बेटा दो मॉलिक्यूल NaNH2 यूज कर लिया है, दो मॉलिक्यूल NaNH2, एक बात गौर करना, एक बार IT में क्वेश्चन पूछा था, इसमें इसी रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, क्या चीज में, तो ध्यान देना एक बात जो बोल रहे हैं, अगर टर्मिनल, ध्यान से सुनना, अगर टर्मिनल पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होने वाला हो तो पूरे रिएक्शन में कितने मोल बेस कंज्यूम हो रहा है, एक दो और तीन मोल, यहां ये एनायन बनने के लिए यहां भी बेस यूज हुआ होगा, तीन मोल, और अगर नॉन टर्मिनल पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो बेस के मोल कितने कंज्यूम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो मोल बेस कंज्यूम हुआ करेगा, एक यहां बस। तो वो चीज ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में X+Y करके कुछ इस तरह का क्वेश्चन IIT में पूछा था, तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर डेवलप होगा, सिर्फ दो मोल बेस से काम नहीं चलेगा, तीसरा मोल बेस भी यूज करेंगे लेकिन उसको बाद में दिखाएंगे। तो अगर शुरू से ही NaNH2 टाइप का बेस आप यूज किया करेंगे तो यहां पर भी बड़े आराम से अब बेस बदलने का भी जरूरत नहीं है, यहां पर भी दो स्टेप, एक यहां का हाइड्रोजन यहां हैलोजन, फिर दूसरा बार भी यही का हाइड्रोजन यहां का हैलोजन, ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाया करेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाया करेगा। लेकिन फिर वही बात हो गई, यहां टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन पर हाइड्रोजन है, फिर से इसको हमने रिएक्शन करवाया है NaNH2 के साथ, हमने क्या, वो खुद रिएक्शन कर जाएगा, खुद रिएक्शन करेगा तो ये जो हो जाएगा वो क्या चीज में बदल जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में बदल जाएगा, और फिर से सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, तब जाकर ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इस तरह के चीज में कन्वर्ट हुआ करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी जेमिनल या विसिनल डाइहैलाइड को रिएक्शन करवा लें किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ तो वह भी कन्वर्ट हो जाया करता है, क्या चीज में, वो कन्वर्ट हो जाया करता है अल्काइन में, जिस रिएक्शन के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। ये था पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे अल्काइन्स के बारे में। अल्काइन के पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं वह होगा क्या चीज, तो वो होगा फ्रॉम 1,1,2,2 टेट्राहैलाइड। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा From 1,1,2,2 tetrahalide. ध्यान देना बेटा, यहां पर हम लोग किए क्या है कि कोई मॉलिक्यूल लिए हैं जिसमें 1,1 और 2,2 दोनों पर हेलोजन लगा हुआ है। सुनना, इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं,
याद करो एल्कीन में हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे। क्या रिएक्शन पढ़े थे कि अगर कहीं पर कोई डाई हैलाइड हो, अगर कहीं पर कोई डाई हैलाइड हो, इसको या तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा लो, या तो इसको NaI प्लस एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा लो, NaI प्लस एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा लो। दोनों कंडीशन में क्या होता है, यह जिंक और ये जिंक दोनों हैलोजन को लेके चला जाता है और यहां पर एक नया पाई बॉन्ड डेवलप हो जाता है। NaI प्लस एसीटोन के केस में भी ये दोनों हैलोजन हटके यहां पाई बॉन्ड आ जाता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ध्यान दो, सिर्फ एक पेयर हैलोजन नहीं, दो पेयर हैलोजन है। अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें यहां पर कैचिज के साथ, तो इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें जिंक डस्ट के साथ, इसका रिएक्शन करवा दे जिंक डस्ट के साथ, तो क्या होगा? जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा दे तो ये जिंक इस पेयर हैलोजन को ZnCl2 एक मोल और दूसरा मोल जिंक फिर से इस पेयर हैलोजन को लेकर ZnCl2 बनकर निकल जाएगा और इन दोनों कार्बनों के बीच एक नहीं बल्कि दो दो पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे, दो दो पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे। और इधर का जो प्रोडक्ट हम लोगों का हो जाएगा वो कैसा दिखेगा, तो इधर का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हम लोगों को CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस दो मोल ऑफ ZnCl2 के रूप में दिखेगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ, यहीं पर अगर हम लोग NaI प्लस एसीटोन यूज कर लें तो भी ये रिएक्शन होगा। अगर हम लोग यहाँ पर NaI प्लस एसीटोन यूज कर लें तो भी ये रिएक्शन हुआ करेगा, तो भी ये मॉलिक्यूल जो होगा वो अल्काइन में कन्वर्ट हो जाया करेगा। तो फ्रॉम 1122 टेट्रा हैलाइड को जिंक डस्ट या NaI प्लस एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा लीजिए तो भी वो कन्वर्ट हो जाता है कैचिज में, अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम होगा क्या चीज, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। याद करना, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एल्केन भी बनता था, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एल्कीन भी बनता है और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा अल्काइन भी बनता है। अगर हम लोग याद करना, एल्केन में जो हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो सबसे पहले ये एनायन बनता था, ये CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस एनायन बनता था और ये जब इलेक्ट्रोड पर जाता था तो ये फ्री रेडिकल में बदल जाता था, CH3C डबल बॉन्ड OO फ्री रेडिकल में बदल जाता था और ये फ्री रेडिकल क्या होता था, डिस्प्रोपोर्शनेट होकर अल्काइल फ्री रेडिकल और प्लस CO2 में बदल जाता था और ऐसा ऐसा दो ठो अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एक अल्केन बना दिया करता था। तो सैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अल्केन बनता है। एल्कीन में हम लोग क्या पढ़े थे, एल्कीन में हम लोग पढ़े थे कि सक्सिनिक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस, सक्सिनिक एसिड कहने का मतलब ये CH2CH2 COOK, ठीक है, हुक नहीं है, COOK है वो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो सबसे पहले ये एनायन जो बनता था C double bond OO minus, ये भी CH2 C double bond OO minus होता था और इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो ये दोनों ऑक्सीजन बदल जाता था फ्री रेडिकल में, C double bond OO फ्री रेडिकल और ये भी हो जाता था C double bond OO फ्री रेडिकल हो जाता था, ठीक। और अब ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर ये CO2 बनकर और दोनों कार्बन पर फ्री रेडिकल बदल जाता था और ये दोनों कार्बन के फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाकर इस तरह के एल्कीन में बदल जाते थे। याद करो, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस एल्कीन बनाने का तरीका, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एल्कीन बनाने का तरीका। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू प्रिपेयर अल्काइन्स थ्रू कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके लिए हम जो सॉल्ट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ही, लेकिन जो सॉल्ट यूज करेंगे वह सॉल्ट होगा क्या चीज, तो यहां पर जो सॉल्ट होगा वो होगा टार्टरिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड, टार्टरिक एसिड पोटेशियम टार्टरेट या पोटेशियम फ्यूमरेट। टार्टरिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड याद है ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ करते थे, दोनों C double OH H एक ही तरफ होता था तो
नहीं उसका। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में जो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं वो होता है पोटेशियम फ्यूमरेट या पोटेशियम मैलेट। याद है आप लोगों को मैलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। जैसे ये सिस फॉर्म है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड, और इसी का ट्रांसफॉर्म अगर होता तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमरिक एसिड। हमने थोड़ा देर पहले टार्टरिक एसिड नाम ले लिया था, टार्टरिक एसिड नहीं, मैलेइक एसिड या फ्यूमरिक एसिड का सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग अल्काइन बनाया करते हैं। तो देखो बनता कैसे है, ये जैसे आपके सामने अभी मैलेइक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अरे बेटा मैलेइक एसिड में ये दोनों हाइड्रोजन हटाकर यहां सोडियम या पोटेशियम अगर लगा दे, सोडियम या पोटेशियम लगा दे तो फिर इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम मैलेट, या अगर सोडियम होता तो सोडियम मैलेट। सबसे पहले इनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या होगा, वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो यह अपने एनायन के रूप में और ये भी अपने एनायन के रूप में बदल जाएगा और प्लस दो पोटेशियम आयन अलग हट जाएंगे। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हो कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कोई अल्कली मेटल का आयन हो और हाइड्रोजन आयन भी हो तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, H प्लस आयन का। तो कैथोड पर जो होने वाला रिएक्शन होगा वो 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन यूज करके ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन यूज करके कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, H2 में। एनोड पर होने वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा। अरे बेटा तो एनोड पर ये जो एनायन है ये यहाँ H, ये यहाँ H, ये C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये यहाँ भी C डबल बॉन्ड O O माइनस, यह एनोड पर जाने के बाद एनोड इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में। और आप लोग जानते हो कहीं भी एसिड फ्री रेडिकल बनने के बाद वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चला जाता है, ये CO2 निकल जाएगा एक फ्री रेडिकल यहाँ, ये CO2 निकल जाएगा एक फ्री रेडिकल यहाँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये फ्री रेडिकल और प्लस 2CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा। और यह जो फ्री रेडिकल बना है ये दोनों फ्री रेडिकल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में बॉन्ड बनाकर यहां कन्वर्ट हो जाएंगे क्या चीज में, तो यहां कन्वर्ट हो जाएंगे अल्काइन्स। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग फ्यूमरिक एसिड या मैलेइक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को इधर अल्काइन्स मिल जाया करता है, ठीक है। तो ये था थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आगे बढ़ते हैं, अगला जो चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। अगला जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज, तो फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ध्यान से सुनना, क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवा दें, जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग चर्चा करने चाह रहे हैं वो होगा फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या चीज, एच और यहां तीन हैलोजन लगा हुआ, इसको सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करवा दो और यहां पर ये दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का ले लो सीएल सीएल सीएल। होता क्या है कि ये सिल्वर इन हैलोजन्स और इन हैलोजन्स को लेकर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है 6AgCl बनकर, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाकर यहां पर एसिटिलीन या जिसको इथाइन बोलते हो, कॉमन नेम एसिटिलीन और आईयूपीएसी नेम इथाइन बोलते हैं, ये अल्काइन में एक अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफॉर्म अगर लेंगे तो हर बार एसिटिलीन बना करेगा, ये हाइड्रोजन के बदले अगर लंबा कार्बन चेन हो तो फिर उसी तरह का रिस्पेक्टिव अल्काइन बना करेगा। तो ये था क्लोरोफॉर्म के द्वारा अल्काइन बनाने का तरीका, या कोई भी ट्राई हैलाइड वाले मॉलिक्यूल ले लिया जाए उनको सिल्वर डस्ट के साथ अगर रिएक्शन करवा दें तो वो अपने अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल ऐड होकर बड़े अल्काइन्स में कन्वर्ट हो जाया करेगा।
ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, और जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा फ्रॉम लोअर अल्काइन। लोअर अल्काइन्स को हायर अल्काइन्स में कैसे बदलते हैं उसके बारे में। अरे बेटा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सर अल्काइन से ही अल्काइन ही बनाने जा रहे हैं, तो जवाब है हाँ, अल्काइन से अल्काइन ही का प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, और जो रिएक्शन हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन फ्रेंडली है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, तो ध्यान देना ये होता क्या है, कैसा रिएक्शन होता है, सभी लोग गौर कीजिएगा। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज़, वो होगा फ्रॉम लोअर अल्काइन्स। ध्यान, अगर हम लोग कोई टर्मिनल अल्काइन ले, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि जो टर्मिनल अल्काइन होता है, टर्मिनल अल्काइन का ये हाइड्रोजन हल्का सा एसिडिक होता है, इसका पीके वैल्यू 25 के रेंज में होता है, और अगर ये थोड़ा सा एसिडिक है इसको हम लोग या तो कोई मेटल से रिएक्शन करवा लें या किसी मजबूत बेस के साथ रिएक्शन करवा लें, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग रिएक्शन करवा लें क्या चीज के साथ, तो इसको हम लोग रिएक्शन करवा लें किसी मेटल के साथ या किसी मजबूत बेस के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने एनायन में, CH3C CCC- इस तरह के एनायन में। देखता ये एनायन बनने के बाद अब इसको हम लोग रिएक्शन करवा लें किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा लें तो क्या होगा, यह एनायन, याद है ना आप लोगों को, ये वाला बॉन्ड का जो छोटा वाला लोब होगा उस छोटे वाले लोब पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यह एनायन जाकर बैक साइड से यहां अटैक करेगा और हैलोजन को रिप्लेस करके यह एनायन इस वाले बॉन्ड के छोटे वाले लोब पर जाकर अटैक करेगा और ये हैलोजन को रिप्लेस करके एक बड़े अल्काइन में कन्वर्ट हो जाया करेगा, ये इस तरह के अल्काइन में कन्वर्ट हो जाया करेगा, प्लस ये सीएल माइनस। समझे बेटा, एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे सामने एक अल्काइन लिखा हुआ है और अल्काइन लिखा हुआ है CH3CH CaCH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये C और सामने फिर एक CH3 लिखा हुआ है। ये अल्काइन मान लो हम लोगों को इस प्रिपेयर करना हो, ये अल्काइन है जिसको प्रिपेयर करना हो। अरे बेटा, ये अल्काइन अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना हो तो इस रिएक्शन के थ्रू ही अगर प्रिपेयर करना हो तो हमारे पास दो सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन में क्या करें कि एक इतना बड़ा हम लोग टर्मिनल अल्काइन ले लें यहां से यहां तक और ये अल्काइल हैलाइड के रूप में ले लें। कहने का मतलब हमारा टर्मिनल अल्काइन हो जाए CH3 CH और ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल अल्काइन और प्लस CH3Cl और प्लस अल्कली KOH, ये हाइड्रोजन को हटाने के लिए प्लस अल्कली, ये सेट है। दूसरा सेट अल्मोनियम मत समझ लेना, ये अल्कली है, ठीक, वो अल्कली लिखा हुआ है। और दूसरा सेट है क्या चीज कि ये इतना बड़ा हम लोग टर्मिनल अल्काइन ले लें, टर्मिनल अल्काइन के रूप में क्या ले लें, तो टर्मिनल अल्काइन के रूप में CH3 ये C ट्रिपल बॉन्ड C H ले लें और अल्काइल हैलाइड के रूप में रेस्ट पार्ट को ले लिया जाए। अल्काइल हैलाइड के रूप में हम लोग CH3CH ये Cl और ये CH3 ऐसा चीज ले लें और प्लस साथ में अल्कली भी यूज कर लिया जाए। आपसे पूछा जाए कि दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा बेहतर परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड करवाएगा, दोनों में से ज्यादा बेहतर परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड करवाएगा, तो क्या जवाब देंगे, दोनों में से ज्यादा बेहतर परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट किस में हुआ करेगा। तो ध्यान देना बेटा, आप लोग को बताए थे कि यहां पर अटैक करना तभी आसान होगा जब हिंड्रेंस, इस कार्बन के सराउंडिंग हिंड्रेंस कम से कम हो।
माने अगर आपको ये रिएक्शन सक्सेसफुली करवाना है तो आपको एक ही चीज, एक शर्त ही उसको फॉलो करना, पूरा करना है, और वो चीज है क्या चीज, कि द अल्काइल हैलाइड यूज्ड शुड बी एज लेस हिंडर्ड एज पॉसिबल। अल्काइल हैलाइड जो हमारा होना चाहिए वो जितना कम हिंड्रेंस वाला हो उतना अच्छा है। अरे बेटा, तो इसमें अल्काइल हैलाइड दोनों ऑप्शन में ध्यान से देख, अल्काइल हैलाइड में हिंड्रेंस किस में कम दिख रहा है? तो पहले वाले ऑप्शन में अल्काइल हैलाइड हमारा बहुत छोटा है और सिंपल है, तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन में ज्यादा बेहतर जो रिएक्शन हुआ करेगा या ज्यादा बेहतर परसेंटेज और प्रोडक्ट जो दिया करेगा वो पहला वाला हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए शर्त क्या है? इस रिएक्शन के लिए शर्त यह है कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो जितना कम कार्बन, जितना कम हिंड्रेंस वाला हो, ये रिएक्शन उतने अच्छे परसेंटेज में हुआ करेगा। ठीक है, तो ये था फ्रॉम लोअर अल्काइन हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सुनना। लैब में अगर एसिटिलीन बनाना होता है, लैब में अगर एसिटिलीन गैस बनाना होता है तो वो हम लोग बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन करवाकर। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है और इस तरह से एसिटिलीन बहुत जगहों पर बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaCl, इसको अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो यह कैल्शियम वाटर का OH लेकर CaOH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम लोग वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो वह एसिटिलीन गैस दिया करता है, और अगर हम लोग मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Mg2C3, इसको अगर वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो यह प्रोपाइन बना दिया करता है। यह इधर बना दिया करता है प्रोपाइन 2MgOH2 प्लस ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कैल्शियम कार्बाइड, ये याद रखना है, कैल्शियम कार्बाइड को अगर वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो एसिटिलीन, मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये बदल जाता है क्या चीज, ये बदल जाता है प्रोपाइन में। एक और चीज अगर हो सके तो याद रखना, क्या याद रखना है कि अगर हम लोग मीथेन गैस के एटमोस्फेयर में, माने एक बर्तन में सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस हो, मीथेन गैस के एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क हम लोग अगर वहां करवाते हैं तो मीथेन भी कुछ अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन में। मीथेन भी कुछ अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग मीथेन के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवा दें तो यह भी कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, यह भी कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन में, कन्वर्ट हो जाया करता है। ठीक है, यह भी कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन में। अगर हो सके तो इस रिएक्शन को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे अल्काइन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करने के लिए चलेंगे कैचेज के बारे में, तो अल्काइन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।